यवतमाल जिले का दिग्रस शहर इन दिनों कचरे की गर्त में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मार्केट परिसर सहित गली मोहल्ले में लगे कचरे के ढेर स्थानीय पालिका प्रशासन और कचरा संकलन का ठेका चलाने वाले ठेकेदार की लापरवाही को उजागर कर रहा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस नगर पालिका ने हाल ही में शहर के कचरा संकलन का ठेका अमरावती स्थित क्षितिज नागरी सेवा सहकारी संस्था को दिया है, लेकिन शहर में सप्ताह भर में केवल चार दिन ही घंटा गाड़ियां कचरा संकलन के लिए भेजी जा रही है, जिस वजह से कई इलाकों में रास्तों पर, खुली जगहों पर, नदी किनारे कचरे के अंबार न सिर्फ बीमारियों के फैलने का सबब बन रहे हैं बल्कि दुर्गंध फैलने से लोगों में घोर निराशा उत्पन्न हो रही है। कचरा संकलन का ठेका चलाने वाली संस्था ही नहीं, कचरा गाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों की मनमानी और मगरूरी से भी लोग परेशान हैं। शनिवार को मार्केट लाइन में कचरा गाड़ी पर तैनात एक कर्मचारी को जब एक स्थानीय व्यापारी ने देर से आने और कचरा उठाने में जारी लेट लतीफी के बारे में पूछा, तब उस कर्मचारी ने उस व्यापारी को सीधे कह दिया कि जो कर सकते हो कर लो, कल से कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। शहर में कचरे की समस्या सबसे ज्यादा होगी और यह बाजार लाइन होगी, मच्छी मार्केट या जहाँ पर भी परिसर में कचरा दिख रहा है वहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी वाले लोग आते हैं, कचरा न उठाते हुए मुजरा करके जाते हैं। अरे कचरे की समस्या नगर परिषद वाले ने हल करनी होगी ताकि नागरिक को, आम नागरिक को उसकी तकलीफ ना हो। कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, उनको कहते हैं तो बोलते ना उठाते जाते, तुमको उसको बोलना है बोल दो, इसकी समस्या नगर परिषद वाले ने करने होगी, हल करने होगी। कचरा संकलन की घंटा गाड़ियों पर तैनात कर्मचारियों की मनमानी और मुजोरी आपने सुन ली। अब स्वास्थ्य निरीक्षक और सफाई कर्मचारियों के एक और लापरवाही का उदाहरण सुन लीजिए। मोती नगर में झंडा चौक से अंदर की ओर जाने वाली एक गली में खुली जगह पर महीनों से कचरा पड़ा हुआ है, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। कचरे के फोटोज एड्रेस के साथ व्हाट्सएप पर बार बार भेजे गए, लेकिन ये सब बताने के बावजूद भी अब तक उस गली का कचरा उठाया नहीं गया है। घंटा गाड़ी या मोहल्लों के मुख्य रास्तों से होकर आती है और कचरा उठाकर चली जाती है। मोती नगर के बीचों बीच झंडा चौक रोड से ये अंदर का एरिया है, यहाँ घर आसपास घर है, इनके घरों के बीचों बीच कचरा पड़े हुआ है। इतना घरों के बीचों बीच कचरा होने के हिसाब से गाड़ियाँ भी हफ्तों तक यहाँ पर नहीं आती, और जब भी आती है तो बाहर का रोडों पर का कचरा उठा के लेके चल जाती है। इतना सारा कचरा पड़े हुआ है यहाँ पर, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ बीमारियाँ होती है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, इसमें ये नगर पालिका वाले कुछ ध्यान नहीं देते। इसमें घंटा गाड़ी भी आती है तो बाहर का कचरा लेके चल जाती है, वो भी हफ्ते में एक या दो बार आती है। हमारी नगर पालिका से यही गुजारिश है कि ये कचरा उठाए और यहाँ साफ सफाई रखे। यहाँ पूरे मोहल्ले के बीचों बीच ये कचरा पड़े हुआ है, कई महीनों से यहाँ पर पड़े हुआ है कचरा। नगर पालिका ने ठेकेदार को कचरा संकलन के लिए 16 घंटा गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर दिए हैं, लेकिन डीजल का खर्च बचाने के लिए ठेकेदार द्वारा सप्ताह में से 7 दिन में से केवल 4 दिनों तक घंटा गाड़ियां कचरा संकलन के लिए भेजी जा रही है, जिसमें से मात्र 10 घंटा गाड़ियां और एक ट्रैक्टर ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सुनने में यह भी आया है कि शहर के हर कोने से आ रही शिकायतों के बाद पालिका प्रशासन ने कचरे का ठेका चला रहे ठेकेदार को नोटिस जारी किया है, लेकिन शहर की जनता की मांग है कि मुख्य रास्तों के अलावा अंदरूनी जगहों का कचरा भी नियमित रूप से उठाया जाए और लापरवाही करने वाले ठेकेदार का न सिर्फ टेंडर कैंसिल किया जाए बल्कि जनता से बदतमीजी से पेश आने वाले कर्मचारियों की मगरूरी पर भी लगाम लगाई जाए, ताकि शहर में फैले कचरे की तरह ही उनकी जुबान से निकलने वाले बदतमीजी के कचरे का भी बंदोबस्त हो सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।